हेलो फ्रेंड, वेलकम टू एग्जाम जोन। आज है 9 अप्रैल 2020 और आज की डेट से करंट अफेयर्स के जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा, साथ ही सभी क्वेश्चंस के इम्पोर्टेंट फैक्ट भी मैं आपको बताऊंगा। तो वीडियो बहुत ध्यान से देखें, वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, देखते रहिए एग्जाम जोन। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। हाल ही में किस डिजिटल पेमेंट ऐप ने कोविड-19 बीमा पॉलिसी शुरू की है? तो अभी हाल ही में एयरटेल पेमेंट बैंक ने कोविड-19 बीमा पॉलिसी शुरू की है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। तो बात एयरटेल पेमेंट बैंक की है तो इसकी स्थापना हुई थी 2017 में। इसका हेडक्वार्टर है नई दिल्ली और प्रेजेंट टाइम पे इसके एमडी और सीईओ हैं अनुव्रत विश्वास। इतना आपको याद रखना है। चलिए हम नेक्स्ट देखते हैं। हाल ही में किस राज्य सरकार ने एफआईआर की होम डिलीवरी शुरू की है? तो अभी लॉकडाउन के जगह पे जिस जो भी जो व्यक्ति लॉकडाउन तोड़ेगा या जो भी लॉकडाउन ब्रेक करेगा तो उसके घर पे एफआईआर की होम डिलीवरी पहुंचाने की शुरुआत की है अभी मध्य प्रदेश को पुलिस ने। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए, ये किया है मध्य प्रदेश पुलिस ने। तो बात मध्य प्रदेश की है तो मध्य प्रदेश की कैपिटल है भोपाल। प्रेजेंट टाइम पे चीफ मिनिस्टर है शिवराज सिंह चौहान और अभी गवर्नर है लालजी टंडन। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं। हाल ही में किसने 76 दिन के लंबे लॉकडाउन को हटाया है? तो देखिए अभी ये जो चीन ने वुहान शहर है, चीन का वुहान शहर, वहाँ 76 दिन जो कोरोना का केंद्र भी रहा था तो वहाँ 76 दिन से ये लॉकडाउन चल रहा था। तो अभी हाल ही में चीन चाइना गवर्नमेंट ने वुहान शहर के 76 दिन के लंबे लॉकडाउन को समाप्त किया है। तो वहाँ पे अब स्थिति नॉर्मल हो गई है तो उसकी वजह से ये लॉकडाउन हटा दिया गया है। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए। और बात चाइना की है तो चीन की कैपिटल है बीजिंग, चीन की करेंसी है रेनमिनबी और प्रेजेंट टाइम पे हेड तो है सी जिनपिंग। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं। हाल ही में किसने बाहर फंसे अपने नागरिकों को 2,000 रुपये देने की घोषणा की है? तो अभी हाल ही में मणिपुर गवर्नमेंट ने अपने जितने भी उनके नागरिक हैं जो अदर स्टेट में फंस गए हैं उनको 2,000 रुपये देने की घोषणा की है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ये किया है अभी मणिपुर गवर्नमेंट ने। तो बात मणिपुर की है तो मणिपुर की कैपिटल है इम्फाल और प्रेजेंट टाइम पे चीफ मिनिस्टर है एन बीरेन सिंह और गवर्नर है नजमा हेपतुल्ला। इतना आपको याद रखना है। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं। हाल ही में जैक डॉर्सी ने कोविड-19 से लड़ने के लिए $1 बिलियन देने की घोषणा की है, यह किस कंपनी के सीईओ हैं? तो देखिए अभी हाल ही में जैक डॉर्सी इन्होंने $1 बिलियन कोविड-19 से निपटने के लिए इन्होंने $1 बिलियन देने की घोषणा की है जो कि 6,500 करोड़ भारतीय रुपए के बराबर है। तो ये अभी ट्विटर के सीईओ हैं, इनका नाम आपको याद रखना है कि प्रेजेंट टाइम पे ट्विटर के सीईओ हैं, इन्होंने $1 बिलियन देने की घोषणा की है। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं। हाल ही में कोविड-19 के लिए 15 जिले पूर्णता सील करने की घोषणा, तो यह अभी हाल ही में कोविड-19 के बढ़ते प्रभाव को देखते हुए उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने अपने 15 जिले पूर्णता सील करने की घोषणा की है। तो उत्तर प्रदेश के जो भी जिले कोरोना प्रभावित हैं या कोरोना के हॉटस्पॉट बने हुए हैं उनको पूर्णता सील कर दिया जाएगा, किया है अभी उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने। बात उत्तर प्रदेश की है तो उत्तर प्रदेश की कैपिटल है लखनऊ। प्रेजेंट टाइम पे चीफ मिनिस्टर है योगी आदित्यनाथ और गवर्नर है आनंदी बेन पटेल। इतना आपको याद रखना है उत्तर प्रदेश से। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं।
हाल ही में किस राज्य सरकार ने होम क्वारंटीन लोगों के लिए रक्षा सर्व ऐप विकसित किया है? तो अभी हाल में लॉकडाउन के चलते और जो भी व्यक्ति होम क्वारंटीन है कोरोना पॉजिटिव, उनके लिए रक्षा सर्व ऐप विकसित किया है छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट ने। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। और बात यहाँ छत्तीसगढ़ की है तो छत्तीसगढ़ की कैपिटल है रायपुर, प्रेजेंट टाइम पे चीफ मिनिस्टर है भूपेश बघेल और गवर्नर है अनसुईया उइके। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। हाल ही में किस देश ने आपातकाल की घोषणा की है? तो अभी हाल ही में COVID-19 के बढ़ते प्रभाव को देखते हुए जापान की गवर्नमेंट ने अपने 6 प्रांत, सॉरी 7 प्रांत, टोक्यो और अन्य 6 प्रांतों में आपातकाल की घोषणा की है। सॉरी सॉरी, यहाँ पे आपातकाल नहीं है, ये लॉकडाउन की घोषणा हुई है। तो अभी जापान ने टोक्यो और 6 अन्य प्रांतों में लॉकडाउन की घोषणा की है। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी। और बात यहाँ पे जापान की है तो जापान की कैपिटल है टोक्यो, करेंसी है येन और प्रेजेंट टाइम पे पीएम है यहाँ के शिंजो अबे। और जापान की संसद का नाम भी कभी कभी पूछ लिया जाता है, संसद का नाम है ड्यूमा। सॉरी, जापान की संसद का नाम है डाइट और रूस की भी संसद का पूछ लिया जाता है, रूस की संसद का नाम है ड्यूमा, तो ये आपको याद रखना है। चलिए हम नेक्स्ट देखते हैं। हाल ही में आई रिपोर्ट के अनुसार भारत में बेरोजगारी दर कितने प्रतिशत पहुंची है? तो अभी हाल ही में जो रिपोर्ट आई है उसके अनुसार लॉकडाउन और कोरोना के इफेक्ट भारत की इकोनॉमी पड़ा है और अभी भारत की बेरोजगारी दर 23.4% तक पहुंच चुकी है और ये अभी आगे और भी बढ़ने के अनुमान है। तो चलिए हम नेक्स्ट देखते हैं। हाल ही में ऑनलाइन चैलेंज समाधान की शुरुआत किसने की है? तो अभी हाल ही में ऑनलाइन चैलेंज समाधान की शुरुआत की है हमारे मानव संसाधन और विकास मंत्रालय ने, उसका शॉर्टकट नाम है MHRD। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। इसमें इसके तहत छात्रों और शिक्षकों को शामिल किया गया जिससे आने वाली बीमारियों के लिए रिसर्च वर्क के लिए बेसिक कंसेप्ट डेवलप कर सके, उसके लिए ये ऑनलाइन चैलेंज समाधान लॉन्च किया गया है। इतना आपको याद रखना है। आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन, हाल ही में किसने COVID-19 मॉनिटरिंग सिस्टम ऐप विकसित करने की घोषणा की है? तो ये अभी हाल ही में COVID-19 मॉनिटरिंग सिस्टम ऐप ये लॉन्च करने की घोषणा की है तेलंगाना गवर्नमेंट ने। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। और अभी ये तेलंगाना गवर्नमेंट ने की है तो तेलंगाना की कैपिटल है हैदराबाद, प्रेजेंट टाइम पे चीफ मिनिस्टर है के चंद्रशेखर राव और अभी गवर्नर है तमिल साई सौंदर राजन, डॉक्टर तमिल साई सौंदर राजन। और अभी तेलंगाना गवर्नमेंट ने हाल ही में लोगों को सैनिटाइज करने के लिए वी सेप टनल भी स्थापित किए थे, तो ये भी आपको याद रखना है। तो फ्रेंड्स, कैसी लगी आपको अच्छी वीडियो कमेंट में ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, देखते रहिए एग्जाम जोन।